सिसकती हुई इंसानियत है चीख कर ये कह रही, सिसकती हुई इंसानियत है चीख कर ये कह रही, सालों से जारी जो सितम हर एक लम्हा सह रही। आंखों पर पट्टी बांध कर क्यों बिक गया अब न्याय है, उम्र कैद एक संत को अन्याय है, अन्याय है। नमस्कार दोस्तों, 8 मार्च विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला उत्थान मंडल की इस खास पेशकश में मैं आपके सामने कुछ ऐसी सच्चाइयां लेकर आई हूं जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे कि अब तो हद हो गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गरीबों के मसीहा, संस्कृति के रक्षक, धर्मांतरण को रोकने वाले, भारत विश्व गुरु का डंका बजाने वाले, आध्यात्मिकता का शंखनाद करने वाले परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की। संत श्री आशाराम जी बापू को आज कौन नहीं जानता। उनके द्वारा फैलाई जा रही समाज उत्थान के सेवा कार्यों की सुवास पूरे देश विदेश को महका रही है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए महिला आश्रमों की स्थापना कर, महिला उत्थान मंडलों का गठन कर, महिलाओं के विकास के लिए बापू जी ने जो सेवा कार्य किए हैं उनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। हाँ, ये बात और है कि महिला उत्थान मंडलों द्वारा चलाए जा रहे चले स्व की और आध्यात्मिक उत्थान शिविर, तेजस्विनी भव अभियान, दिव्य शिशु गर्भ संस्कार केंद्र, गर्भपात रोको अभियान, रक्षा बंधन कार्यक्रम, कैदी उत्थान कार्यक्रम, तुलसी अभियान और दरिद्र नारायण सेवा कार्यों को आज देख कर भी अनदेखा किया जा रहा है। दोस्तों, अगस्त 2013 में एक ऐसी आंधी चली जिसने धर्म, संस्कृति, संस्कार, आध्यात्मिकता को अपने पैरों तले रौंद कर रख दिया। अब तो ऐसा कलयुग आया, अब तो ऐसा कलयुग आया। निष्कलंक पापों पे दुष्टों ने झूठा दोष लगाया, कि अब तो ऐसा कलयुग आया। जिस नारी शक्ति की महिमा को जगाने के लिए संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य, अपने कष्ट, अपनी पीड़ाओं को अनदेखा कर रात दिन एक कर दिया, उसी नारी ने नारी सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग कर एक के बाद एक मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाकर एक संत की, एक करुणामय संत के सम्मान को आहत कर दिया। कुछ इस तरह से कहते हैं संत श्री आशाराम जी बापू के प्यारे साधक। क्या वैलेंटाइंस डे की गंदगी को हटाकर मातृपित्र पूजन दिवस की स्थापना करना गलत है? क्या बच्चों में सुसंस्कार सिंचन करने के लिए बाल संस्कार केंद्रों का स्थापना होना गलत है? क्या महिलाओं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए महिला उत्थान आश्रमों की स्थापना होना गलत है? फिर भी आज ऐसे संत को पैरोल पर भी रिहा नहीं किया जा रहा है। ये हमारे भारत देश के कानून व्यवस्था का बिकाऊपन नहीं है तो और क्या है? जुडिशियल सिस्टम हैज टेकन दिस बिग डिसीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वन गर्ल स्टेटमेंट, बट जस्ट थिंक वंस, व्हाट अबाउट द मिलियंस ऑफ वुमेन हु स्टैंडिंग फॉर संत श्री आशाराम जी बापू? ऑल दोज वुमेन who are saying that justice delayed means justice denied. We want justice for Sant Shri Ashram Ji Bapu, because main reason is why people's voice is suppressed and ignored. Release Bapu Ji as soon as possible. Bapu Ji ki mahima ko to shabdon ki mala mein piro pana kathin hi nahi balki asambhav hai. ऐसे संत को पैरोल पर भी रिहा नहीं किया जा रहा, कहां का इंसाफ है ये? भारत देश में इतना घोर अन्याय क्यों? ये सरासर कानून के बिकाऊपने को प्रदर्शित कर रहा है कि घोर से घोर अपराधी को भी पैरोल फलों तक की राहत मिल जाती है।
लेकिन मेरे गुरुदेव आसाराम जी बापू को कोविड हुआ, कोई राहत नहीं। यहाँ तक कि मेरे गुरुदेव का हीमोग्लोबिन गिर के 3.7 हो गया, फिर भी सरकार की ओर से कोई राहत नहीं। कैसा है हमारे भारत देश का अंधकार, अब तो हद ही हो गई अन्याय की। 2013 जोधपुर केस की बात की जाए तो उस केस से जुड़े एक नहीं अनेक तथ्य चीख चीख कर संत श्री आशाराम जी बापू की निर्दोषता की गवाही दे रहे हैं। लेकिन कुछ बिकाऊ मीडिया ने और अंधे कानून ने पूज्य बापू जी को आजीवन आमरण कारावास की कठोर सजा सुनाकर न्याय की गरिमा को कलंकित कर दिया। दोस्तों अब बात करते हैं अहमदाबाद केस की। यहाँ की तो कहानी ही कुछ और बयां कर रही है। कथित घटना है 2001 की और लड़की फरियाद कर रही है 12 साल बाद। गौर करिएगा, लड़की फरियाद कर रही है 12 साल बाद, यानी 2013 में। 2007 तक लड़की संत श्री आशाराम जी बापू के महिला आश्रम में ही रहती थी। सत्संग करने के लिए बाहर शहरों में भी जाती थी, लेकिन आश्रम से भागने के लिए उसको पीछे के दरवाजे की जरूरत क्यों पड़ी? खुद आरोप लगाने वाली लड़की अपने झूठे बयान को बदलने के लिए कोर्ट में अपील करती है, लेकिन कोर्ट से उसे अनुमति नहीं मिलती। और इस केस में हाल ही में 30 जनवरी 2023 को गांधीनगर कोर्ट ने जो शर्मनाक फैसला सुनाया है, उसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि कानून ना सिर्फ अंधा है बल्कि बहरा भी हो गया है। दोनों ही केसों में पुलिस अधिकारियों और जांच अधिकारियों के अचानक बेवजह हुए प्रमोशन से एक घिनौने राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है। खैर, ये तो थी कुछ ऐसी सच्चाइयां जिन्हें भारत के कानून ने तो अनदेखा कर दिया और एक लोक हितैषी संत को दुष्कर्मी बाबा का नाम देकर जनमानस के हृदय में उनकी पवित्र छवि को धूमिल करने का निरर्थक प्रयास किया। खैर, कानून की आंखों पर तो पट्टी बंधी है, लेकिन आप तो भारत देश के जागरूक नागरिक हैं। इन झूठे केसों की सच्चाई को खुली आंखों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। संत श्री आशाराम जी बापू के साथ हुआ अन्याय केवल उनके साथ नहीं बल्कि पूरी मानवता के साथ हुआ अन्याय है। आखिर कब तक आप हिंदू होकर भी मूक बधिर की तरह अपने ही देश के हिंदू संत के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार का तमाशा देखते रहेंगे? यदि अभी भी कोई संदेह है तो देखिए एक और सच। जोधपुर और अहमदाबाद दोनों ही केसों में आजीवन कारावास की सजा के बावजूद बापूजी के भक्तों और समर्थकों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई, बल्कि आम जनता की श्रद्धा भी संत श्री आशाराम जी बापू के प्रति बढ़ गई, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं बल्कि सत्य के प्रति अटूट विश्वास है, जिसकी जीत होकर ही रहेगी, क्योंकि सत्यमेव जयते। इतने षड्यंत्रों के बावजूद आज भी अनगिनत सेवाओं की बह रही है अविरल गंगा। आइए देखते हैं 2013 से 2023 तक के सफर की कुछ झलकियां। लोक हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू की प्रेरणा से चल रही महिला उत्थान मंडल की सेवाओं की लिस्ट बहुत ही लंबी है। महिला उत्थान मंडल की बहनें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं और अपनी सेवाओं से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती हैं।
का पौधा घर घर बांटती ये बहने, संत श्री आशाराम जी बापू की प्रेरणा से चल रही महिला उत्थान मंडल की बहने हैं। महिला उत्थान मंडल की बहने हर साल इन दिनों में तुलसी अभियान चलाती हैं। इस अभियान के तहत घर घर जाकर तुलसी का पौधा और तुलसी के पौधे के सेवन से होने वाले लाभ की विस्तृत जानकारी लोगों को भेंट करती है। सत्य ना तो किसी कानून का मोहताज है, ना ही प्रमाण का। सत्य आपके सामने है, साफ और स्पष्ट। 86 वर्षीय संत श्री आशाराम जी बापू के साथ हुए इस अमानवीय व्यवहार को देखकर क्या आपको नहीं लगता कि अब तो हद हो गई?